हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नायका हॉल। और मैंने रिसेंटली नायका से काफ़ी सारी शॉपिंग की है। एक्चुअली नायका में होली सेल चल रही थी, सो आई थॉट ऑफ ग्रैबिंग सम गुड डील्स देयर। और मैंने नायका से काफ़ी सारे कैटेगरीज, अलग अलग से कैटेगरी से शॉपिंग की है। एंड जो बेस्ट पार्ट है कि मैंने मेन सेक्शन से भी कुछ शॉपिंग की है। सो अगर आप मेरे मेल व्यूअर है तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। नायका से मुझे कोई भी पेमेंट या कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिले हैं। मैंने पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को अपने पैसे से खरीदे हैं एंड देन ओनली आई एम शेयरिंग द रिव्यू। और ये एक चिटचैट काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है। सो जो पहला प्रोडक्ट है, दैट हैज टू बी माई फेवरेट वन। एक्चुअली ये कितना हद तक काम करता है वो अगर आपको जानना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रिव्यू है वो मैं इंस्टा पर अपलोड करूंगी। सो दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम पल्प। पल्प एक नया ब्रांड है जिसे मैं देख रही हूँ कि उनके काफ़ी सारे स्पॉन्सर्ड कंटेंट जा रहे हैं इंस्टा फेसबुक पर। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। और ये है पल्प डे आफ्टर बिंच टर्मरिक प्लस स्पिनच सुपर फूड मास्क। तो ये बेसिकली एक फेस पैक है, बट मुझे ना ये ग्रीन वाला नहीं चाहिए था। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू ट्राई देयर डेट नाइट वाला, एक पिंक कलर का आता है डेट नाइट वाला फेस मास्क, वो मुझे ट्राई करना था, बट दैट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। सो आई थॉट ओके लेट मी गेट दिस वन ओनली, फर्स्ट लेट मी ट्राई दिस। और इसका प्राइस है 899 रुपीज। लेट मी टेल यू, मुझे ये बिल्कुल भी डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिला नायका में। जितना प्राइस था उतने प्राइस में ही ये अवेलेबल था, बट एटलीस्ट इट वॉज ऑन स्टॉक, तो मुझे ये अवेलेबल दिखा, दैट्स व्हाई मैंने परचेज किया। क्योंकि पल्प के प्रोडक्ट्स ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही होते हैं। सो आई हैव यूज्ड दिस मास्क क्वाइट अ लॉट। और मैं अपना जो रिव्यू है, और इसका पैकेजिंग है बेस्ट पार्ट। सो पैकेजिंग एंड ऑल सब कुछ आपको देखने के लिए मुझे इंस्टा पर फॉलो करना पड़ेगा। और मार्च मंथ में मेरा बर्थडे था, सो बर्थडे मंथ के लिए तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलना ही था नायका से। एवरी ईयर आई रिसीव अ गिफ्ट अगर मैं मंथ में, बर्थडे मंथ में शॉपिंग करती हूँ तो। तो नायका से मुझे जो गिफ्ट मिला है वो है ये नायका नेचुरल्स टी ट्री एंड नीम फेस वॉश। तो ये एक्ने प्रोन या सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा वर्क करेगा एज पर द इंग्रेडिएंट्स, बट मेरी स्किन ड्राई है, मुझे तो बिल्कुल भी ड्राइनेस वगैरह महसूस नहीं होती है। आई रिसीव्ड दिस वन डे बिफोर यस्टरडे, तो मैं 2 दिनों से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। आई डोंट नो अबाउट हाउ मच ये पॉल्यूशन को दूर करता है, क्योंकि एज सच मैं बाहर नहीं गई हूँ तो मुझे वो नहीं पता, बट डेफिनेटली इसका फ्रेग्रेंस नीम जैसा है, जो नॉर्मल होता है वैसा फ्रेग्रेंस है, एंड मुझे ये ठीक ठाक ही लग रहा है। सो इफ यू वॉन्ट वन डिटेल रिव्यू ऑफ दिस, तो मैं एक अलग से वीडियो में इसका एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी। नेक्स्ट मैंने एक शैम्पू परचेज किया है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड क्लिनिक प्लस। ये एक नया उनका नया वेरियंट है विच इज एग प्रोटीन वाला। मैं पहले क्लिनिक प्लस से इस्तेमाल करती थी, बट देन आई जस्ट स्टार्टेड स्विचिंग माई शैम्पूज कंडीशनर्स, मैं अभी चेंज करती रहती हूँ। बट ये पैकेजिंग अभी भी मैंने खुला नहीं है, यू कैन सी ये अभी भी सील्ड है। तो जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगी, करना स्टार्ट करूंगी, तो मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं इसे नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं इसे 1 महीना बाद शायद मैं इस्तेमाल कर सकूं, या मेरी दीदी इस्तेमाल करेंगी, आई डोंट नो। बट क्लिनिक प्लस इज रियली गुड ब्रांड, इनके शैम्पू मैंने पहले भी ट्राई किया है, और जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। प्राइसेस तो आपको स्क्रीन पर मेंशन में कर ही दूंगी। नेक्स्ट मैंने एक शावर जेल ऑर्डर किया है, तो ये है निविया शावर जेल वाटर लिली एंड ऑयल। सो ये जो कलर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बेबी पिंक सॉर्ट ऑफ कलर। तो जस्ट कलर की वजह से ही मैंने इसे परचेज किया है, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, मैंने 2 दिन इसे इस्तेमाल किया है, यू कैन सी यहाँ तक मैंने इसे इस्तेमाल किया है। दिस स्मेल्स सो अमेजिंग, स्ट्रॉबेरी जैसा, वाटर लिली लिखा है बट फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस इसका नहीं है, फ्रूटी सा स्ट्रॉबेरी जैसा इसका फ्रेग्रेंस है, बट द फ्रेग्रेंस इज गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, बट शावर जेल से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड गेस वॉट, मुझे उस टाइम नायका से निविया में 35% डिस्काउंट मिले, मतलब फ्लैट निविया के कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करें आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा।
सो इसीलिए मैंने निविया के, यू ऑल नो हाउ मच आई लव द ब्रांड, तो मैंने निविया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए हैं, जिसमें से ये है पहला वाला जो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी इसे इस्तेमाल करने की. सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है, क्योंकि मेरा जो पहला वाला था ना, पिछला वाला, वो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर लिया है. एंड ये नेक्स्ट वन शायद मुझे सेकेंड मंथ में ओपन करना पड़े. सो निविया क्रीम्स, यू ऑल नो हाउ मच आई लव दिस ब्लू वेरियंट, और मुझे लगता है कि पर्सनली ऑयली, नॉर्मल या ड्राई स्किन हो, ये ब्लू वेरियंट अच्छे से वर्क करेगा आपके स्किन में. अगर ऑयली है तो थोड़ा क्वांटिटी आपको लेना है, और अगर ड्राई है तो ज़्यादा क्वांटिटी आप ले सकते हैं. निविया के जो रोल ऑन्स है ना, वो मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि पहले अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैं निविया के जो डिओडोराइज़र है वो मैं इस्तेमाल करती थी समर टाइम में. तो मुझे ना अभी मैंने रोल ऑन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है. एक्चुअली मेरी दीदी ने मुझे रोल ऑन गिफ्ट किया था, देन आई स्टार्टेड यूजिंग द रोल ऑन और मुझे बहुत अच्छा लगा रोल ऑन. और मैंने आप लोगों के साथ मेरे एक नायका हॉल में भी शेयर किया था निविया का एक रोल ऑन, वो ख़त्म हो चुका था. सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग न्यू वेरियंट. तो क्या होता है कि निविया के जो भी प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करती हूँ, डिओडोराइजर या रोल ऑन, तो मैं नए नए वेरिएंट्स ट्राई करती रहती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो में बाद में शेयर कर पाऊँ कि कौन सा वेरिएंट अच्छा है. तो ये है निविया वाइटनिंग डिओडोरेंट. इसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, बट डेफिनेटली जब मैं बाहर जाऊंगी इसे इस्तेमाल करूंगी, एंड मुझे जैसा लगेगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और नेक्स्ट मैंने मेन के लिए ये ऑर्डर किया है, ये है निविया मेन सिल्वर प्रोटेक्ट. ये भी एक रोल ऑन काइंड ऑफ है, तो ये मेन के लिए अच्छा रहेगा. तो मैंने भी इसे ऑर्डर किया है एक्चुअली मेरे फादर के लिए, मैंने उसे, उन्हें गिफ्ट किया है ये वाला. एक्चुअली मुझे निविया में इतने ऑफर्स मिल रहे थे, सो आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग टू फॉर माई सेल्फ. फिर मुझे याद आया कि मेरे मेल व्यूअर्स तो चाहते हैं रिव्यू वगैरह, तो मैंने सोचा कि मेरे पापा के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, तो उनका जो रिव्यू रहेगा वो मैं फिर शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ. तो इसी वजह से मैंने ये वाला भी ऑर्डर किया है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर दिस लॉरियल पैरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम. और लुक एट द पैकेजिंग इज सो क्यूट. ये कलर पैलेट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस क्रीम को मैंने इस्तेमाल किया है, मेरी मम्मी ने इस्तेमाल किया है, एंड ये क्रीम इतना अच्छा है ना, इसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ, अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो शेयर करूंगी, बिकॉज दिस क्रीम इज लाइक मैजिक. बहुत अच्छा है, ये लीव ऑन कंडीशनर टाइप्स है ये. सो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं शेयर कर सकती हूँ. और नेक्स्ट मैंने एसेंशियल चीज़ें कुछ परचेज किए हैं, जैसे कि टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स. दीज आर रियली एसेंशियल एवरी टाइम, मतलब आज के डेट में सब लोग सैनिटाइजर्स के बारे में बात करते हैं, बट ये जो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स है ना, ये मैं बहुत पहले से इस्तेमाल करती थी, बिकॉज मुझे, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, आई एम दैट पर्सन कि जिसे टॉयलेट जाना ही होता है. सो आई ऑलवेज कीप दिस काइंड ऑफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स मेरे बैग में या पर्स में, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है. पब्लिक टॉयलेट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जितना भी क्लीन हो टॉयलेट, यू रियली नीड टू सैनिटाइज दैट एरिया. तो ये यूज स्प्रे की तरफ से है, मैंने हमेशा पी सेफ का इस्तेमाल किया है. एंड रिसेंटली मैं एक ब्रांड का इस्तेमाल कर रही थी, आई फॉरगॉट द नेम, बट दैट्स ऑल्सो रियली गुड. तो उसका जो नेम होगा या लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. और ये यू स्प्रे का है, और ये दो, मतलब एक कॉम्बो में था. सो आई थॉट ऑफ परचेजिंग दीज, क्योंकि ये छोटे छोटे, बड़े पैकेट, इसका बड़ा पैकेजिंग ना काम का नहीं होता. छोटे पैकेट्स बैकपैक में या फिर हमारे पर्स में आ जाता है, सो छोटे पैकेट में हमेशा प्रेफर करती हूँ. तो ये मैंने दो ऑर्डर किया है, एक मेरे लिए, एक मेरी मम्मी के लिए, दैट्स वाई काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी मिल रहा था होली सेल में. नेक्स्ट अगेन वन एसेंशियल विच इज दिस हैंड वॉश, और ये लाइफ बॉय का हैंड वॉश, मुझे ये 99 रुपीज में मिला. ये 750 ml का है. सो आई थॉट ऑफ परचेजिंग दिस, क्योंकि आजकल मैं बाहर जाकर शॉपिंग करना, उतना टाइम नहीं है, उतना एनर्जी भी नहीं है, और इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, बिकॉज वी आर बैक टू स्क्वायर वन. अभी फिर से केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं. सो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है, एंड लाइफ बॉय इज गुड, सेफ. सो मैं लाइफ बॉय ही हमेशा प्रेफर करती हूँ. नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है कुछ समर एसेंशियल्स, जैसे ये रिफ्रेशिंग फेशियल वाइप्स. तो ये काया का है, काया रिफ्रेशिंग मैटिफाइंग वाइप्स. ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए है, बट और कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं था, सो आई थॉट ऑफ परचेजिंग दिस ओनली. क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट नो, एक्नी प्रोन हो या नॉर्मल या ड्राई स्किन हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता. ये इसका जो काम है वो तो करेगा ही. तो ये है, कॉम्बो ऑफर में मिल रहा था इसमें, तो मैंने एक कॉम्बो ऑर्डर किया है. देन अगेन मैंने एक और कॉम्बो ऑर्डर किया है. सो मैंने 4 इस तरीके का फेशियल टिश्यू या फेशियल वाइप्स मैंने ऑर्डर किया है. सो
या आई थिंक दिस इज मस्ट फॉर समर्स. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटी स्वेटी सा हो जाता है, जो कि मेरी और मेरी मम्मी की स्किन होती है, तो हम लोग इस तरीके का फेशियल वाइप्स इस्तेमाल करते हैं. दिस आर रियली हाइजेनिक और काफ़ी इफेक्टिव भी है. तो मैंने ना इन सारे इन चारों वाइप्स को मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे एंड कूल कूल फील होते हैं. सो या दैट्स प्रीटी मच. मैंने इतना ही शॉपिंग की है होली सेल से, और मुझे लगा कि होली सेल में हाँ डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट्स मिल रहे थे. इस बार मैंने शीट मास्क परचेज नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि नायका से जो बर्थडे गिफ्ट आएगा ना वो शीट मास्क ही आएगा, बट मुझे शीट मास्क नहीं एक फेस वॉश रिसीव हुआ है. बट द फेस वॉश इज क्वाइट गुड, ओनली आई एम यूजिंग द फेस वॉश. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको प्रोडक्ट्स परचेज करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बाय.